मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया में नजर आएंगी एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी। बताया जा रहा है कि हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म भेड़िया में वरुण धवन और कृति सेनन के साथ साथ अभिषेक बैनर्जी मेन रोल्स में नजर आने वाले हैं और इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि फ्लोरा सैनी भी इस फिल्म में नजर आ सकती हैं पिवाइटल रोल में, लेकिन अब तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी ने फिल्म्स जैसे कि स्त्री, दबंग 2, लक्ष्मी, फ्रॉड सैया, MSG, बेगम जान जैसी मूवीज में नजर आई हैं। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर की अपकमिंग फिल्म ओम द बैटल विदिन का नाम हुआ चेंज। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर की अपकमिंग फिल्म ओम द बैटल विदिन आदित्य रॉय कपूर की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है, क्योंकि इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर का किरदार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाला है। इस फिल्म का टाइटल रीनेम कर दिया गया है और अब इस फिल्म का नया टाइटल रखा गया है राष्ट्र कवच ओम। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना सांगी और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे। वेटरन एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को अरेस्ट किया गया ड्रग्स के केस में। वेल, बता दें कि ड्रग्स के कंट्रोवर्सी में बॉलीवुड स्टार किड डिटेन किए गए बेंगलुरु में और उनको कंज्यूम करते हुए देखा गया ड्रग्स, वो भी एक रेव पार्टी में संडे के दिन, जिसके चलते उनको डिटेन किया गया। सिद्धांत कपूर का मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, जिसमें ये साफ नजर आया कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किए थे। वहीं जिस पार्टी में सिद्धांत कपूर थे, उसके कई सारे पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सिद्धांत कपूर DJ की भूमिका भी निभा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की पिक्चर और वीडियो वायरल हो रही है और इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि कृति सेनन एक स्ट्रीट डॉग को खिला रही हैं खाना। जी हाँ, वो फीड कर रही हैं स्ट्रीट डॉग को और उनके सेट पर ये वीडियो कैप्चर किया गया और पिक्चर्स आउट हुए उनके फिल्म सेट पर। ये देखकर नेटिजन्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कृति सेनन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आए। कई सारे यूज़र्स ने लिखा काइंड और कृति सेनन को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। बता दें कि कृति सेनन एक डॉग लवर है और उनके खुद के 2 डॉग्स हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करती हैं और अक्सर उनके साथ इंस्टाग्राम पर वीडियोस शेयर करती हुई नज़र आती हैं। फैशन डिज़ाइनर गौरी खान, जो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की वाइफ हैं, बता दें कि उन्होंने सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स शेयर किए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि गौरी खान रोम में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। उनके रीसेंट वेकेशन से ये पिक्चर्स हैं और यहाँ वो पोज करती हुई नज़र आ रही हैं अमिताभ बच्चन की डॉटर श्वेता बच्चन नंदा के साथ। कुछ ब्रंच पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर किए थे। ये पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं और काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए गौरी ने लिखा, कांट गेट इनफ ऑफ रोम। 3 बॉलीवुड स्टार्स हमें एक ही एक्शन फ्लिक में नजर आने वाले हैं और ये 3 बॉलीवुड स्टार्स ऑल टाइम फेवरेट हैं। वेल, बता दें कि ये 3 बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो है सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। ये तीनों एक्टर्स एक ही फिल्म में नजर आएंगे और बताया जा रहा है कि ये फिल्म फुल ऑन एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाला है। वहीं इस फिल्म का टाइटल भी आउट हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म का टाइटल रखा गया है बाप, जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों से अगर इस फिल्म को कंपेयर किया जाए तो इस फिल्म में हाई इंटेंस एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली का प्रोजेक्ट हीरा मंडी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स में से एक है। वेल, बता दे कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में हमें रेखा भी नज़र आ सकती है और अगर हम सोर्सेज की माने तो ये कहा जा रहा है कि इसके चलते एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड अनाउंसमेंट होने जा रहा है जो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। संजय लीला बंसाली का हीरा मंडी प्रोजेक्ट वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है संजय लीला बंसाली का, जो वो काफ़ी टाइम से बनाना चाहते थे
और अब ये सच होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ हमें कई सारे अपकमिंग फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जैसे कि गणपत, बड़े मियां, छोटे मियां और भी कई सारे फिल्में हैं जिसमें वो हमें नजर आएंगे और जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ शशांक केहतान के अगली फिल्म में भी नजर आएंगे और ये जो फिल्म होगा वो एक्शन के साथ एक रोमांटिक फिल्म भी होने जा रहा है। एक्शन रोमांटिक फ्लिक में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। हालांकि अब तक इस फिल्म की फीमेल लीड लॉक नहीं की गई है, लेकिन फिल्म मेकर्स इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ के साथ एक ऐसी एक्ट्रेस को जोड़ना चाहते हैं जिसकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी लगे स्क्रीन पर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज कुछ खास नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन अक्षय कुमार फिर भी ऑन रोल नजर आ रहे हैं बैक टू बैक फिल्में साइन करते हुए। अक्षय कुमार ने एक और फिल्म के लिए हाँ कर दी है। बल बता दें कि अक्षय कुमार नजर आएंगे प्रोड्यूसर दिनेश विजन की अगली फिल्म में और दोनों टॉक्स में बने हुए हैं उनकी अगली फिल्म के लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म पर काम 2023 यानी कि अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा। बात करें सम्राट पृथ्वीराज की तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट बहुत जल्द हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं अपने अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट के साथ। कल इसी के चलते बॉलीवुड एक्टर और आलिया भट्ट के हस्बैंड रणबीर कपूर ने इसके बारे में बात की और अपने हॉलीवुड प्लान्स के बारे में भी बताया। जब उनसे पूछा गया कि उनके कोई प्लान्स है हॉलीवुड में एंटर करने के तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके ऐसे कोई प्लान्स नहीं है हॉलीवुड में जाने के या फिर हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र पे फोकस कर रहे हैं और इस वक्त ब्रह्मास्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पहली बार एक साथ नजर आएंगे स्क्रीन पे शेयर करते हुए फिल्म ब्रह्मास्त्र में। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।